पाकिस्तान के 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान राइटर्स क्लब के ज़ेरे एहतमाम एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्द और ख्वातीन समेत बच्चों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। इम्तियाज़ अहमद की रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ अदबी, समाजी और सकाफती तंजीम पाकिस्तान राइटर्स क्लब रियाद की जानिब से पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी की मुनासबत से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों और ख्वातीन समेत क्लब मेंबरान ने मिली जोश और जज्बे के साथ शिरकत की। तकरीब की सदारत क्लब के सदर इंजीनियर नवीदुर रहमान ने की, जबकि तकरीब के मेहमान खसूसी सीनियर सहाफी सैयद मुसरत खलील थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि आज के दिन हमें आज़ादी की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए अहद करना चाहिए कि हम अपने वतन की आज़ादी और सलामती को हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। उनका मजीद कहना था कि नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उन्हें कयाम पाकिस्तान की तारीख के बारे में आगाही होनी चाहिए। पाकिस्तानी इस बात पर जितना भी फख्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम आज़ाद हैं। अल्लाह ताला इस आज़ादी को हकीकी आज़ादी से नवाज दे और हमारे मुल्क में अमन और खुशहाली हो। जो है जैसा है अपना वतन है, आओ अपने जिस्म चुम दें, ईंट पत्थर की तरह बेदरो दीवार है लेकिन ये घर अपना तो है। तो हमें ये देखना है कि ये हमारा वतन है, इसको अब हमने ठीक कर। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। इम्तियाज़ अहमद, दुनिया न्यूज़, सऊदी अरब।